हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी टेक्नो इस लाइव पे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देना चाहूँगा, जिन दो भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक देखा नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ़ अ स्क्रू ड्राइवर इज टू बी यूज इन ए कॉन्फाइंड स्पेस वे स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कैन नॉट बी यूज विच स्क्रू ड्राइवर विल बी यूज। बोल रहा है यदि एक स्क्रू ड्राइवर को वहाँ सीमित स्थान में प्रयोग किया जाना है जहाँ मानक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं किया कर सकते, आप किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जगह पे आपको पता है जब भी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं किया जा सकता वहाँ हम लोग एक ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर आपको जो देखने में कैसा होता है तो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर आपको देखने में कैसा होता है, ठीक है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर आपका, ठीक है, कुछ इस तरह देखने में होता है, ठीक है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कुछ इस तरह देखने में होता है जिसका ये वाला फेस, ये बहुत इसका एंगल जो होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का। अगर उसका फ्रंट व्यू देखिएगा तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कुछ इस तरह होता है, दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये स्पेस कहाँ यूज होता है समझिए, एक ऐसा स्लॉट बना, इस स्लॉट के अंदर आपका यहाँ पे एक नट एक बोल्ट लगा हुआ है। आपको इस बोल्ट को आपकी ऊपर पे के सरफेस पे, क्योंकि स्लॉट के अंदर है तो ऊपर के सरफेस स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर इस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करके उसको खोला जाता है। तो वन का आंसर जो होगा वो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या बोल रहा है। अ मल्टी स्टार्ट थ्रेड इज टू बी कट ऑन अ लेथ विद अ सिंगल पॉइंट टूल विच एंगल ऑफ द टूल इज टू बी ग्राउंड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द हेलिक्स एंगल्स। बोल रहा है एकल पॉइंट टूल से लेथ मशीन पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटा जाना है। थ्रेड के हेलिक्स कोण के बराबर में विचार करने के लिए टूल को किस कोण पर लगाया जाएगा, ठीक है, तो किस कोण पर लगाया जाएगा। तो बोल रहा है एक मल्टी स्टार्ट थ्रेड इज टू बी कट ऑन द लेथ विद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। एक मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटना आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से। विच एंगल ऑफ द टूल इज टू बी ग्राउंड, किस एंगल में आपका टूल को ग्राउंड करना पड़ेगा जो कि थ्रेड के हेलिक्स को ले ले। तो आपको पता होगा आपको ये ऐसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, ठीक है। आपका जो साइड क्लियरेंस एंगल होता है, पहले मैं आंसर बता देता हूँ, टू का आंसर जो हमारा डी होगा, साइड क्लियरेंस एंगल को आपको ग्राउंड करना पड़ेगा ताकि आपका ये वाला एंगल जो है, ये दोनों के आपके ये साइड एंगल इन दोनों को आपको ग्राइंड करना होगा ताकि आपका ये वाला एंगल जो आपको 60 डिग्री आ जाए, तो साइड क्लियरेंस एंगल आपको ग्राइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या बोला है। द स्टैंडर्ड टेपर विच इज ऑफ सेल्फ होल्डिंग टाइप, इन तीनों में से कौन सा टेपर है जो सेल्फ होल्डिंग टाइप है जो कि एक स्टैंडर्ड टेपर है। तो वो बोलना चाहूँगा इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका थ्री का ए होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या बोलता है। व्हाट इज द यूज्ड ऑफ सेट ऑफ वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क एक्सिस। बोल रहा है भी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर के वर्क एक्सिस से सेट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मीन्स आपको बोला जा रहा है जब हम लोग थ्रेड काटते हैं तो हमारा, आप समझिए ये आपका जॉब है, ठीक है, ये आपका एक जॉब है, ठीक है। आपको जो हमेशा टूल जो होता है, आपको हमारा जो ये भी टूल जो होता है, बी टूल हमेशा इससे 90 डिग्री पे करना चाहिए। तो इस 90 डिग्री यूज करने के लिए कि जॉब के एक्सिस और टूल के एक्सिस हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए थ्रेड काटते समय, तो करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग सेंटर गेज कहते हैं। तो फोर का आंसर जो हमारा होगा वो होगा सी होगा। फाइव नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सेरेमिक मटेरियल इज कंपोजिट ऑफ फाइन ग्रेड हाईली प्योरिटी। बोलता है सेरेमिक मटेरियल फाइन ग्रेन उच्च शुद्धता वाले डैश से बनता है। सेरेमिक मटेरियल आपका किससे बनता है, तो आपका जो सेरेमिक मटेरियल होता है वो आपका फाइव का ए होगा, वो आपका क्या होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। फाइव का ए होगा
एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल ए इज शोन इन फिगर कॉल्ड, नीचे आरेख में दिए गए कोण ए को क्या कहते हैं। ठीक है, आपका जो ए का कोण जो दिया गया है इस एंगल में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आपका ये टूल है, ठीक है, ये टूल में आपका एक देखिए ऐसे करके एक स्लाइड गया हुआ है। ठीक है, ऐसे जाके फिर स्लाइड ऐसे गया है, फिर कुछ इस तरह से गया है। तो जो आपका इस पे एक इसको डायग्राम एक ऐसे जाएगा यहाँ से एक लाइन और इसका पॉइंट से कह, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है ए। इस एंगल को हम लोग बैक क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो सिक्स का आंसर जो होगा मेरा बी होगा, बैक क्लियरेंस एंगल और ए सॉरी बैक रेक एंगल, और ये वाला हमारा होगा जो होगा फ्रंट क्लियरेंस एंगल। क्या होगा? एफ सी, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, और ये वाला एंगल जो होगा ये मेरा होगा लिप एंगल एल पी। क्या होगा? लिप एंगल। तो सिक्स का आंसर जो हमारा होगा बी, वो होगा बैक क्लियरेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या बोलता है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव रेक एंगल ऑफ कटिंग टूल, बोल रहा है कटिंग टूल के नेगेटिव रेक एंगल के बारे में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए क्या बोला है, इट्स मेक द टूल शार्प एंड पॉइंटेड। ऑप्शन बी, इट्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग टूल। ऑप्शन सी, इट्स इंक्रीज द फ्रिक्शन रिजल्ट इन हायर टेम्परेचर। इट्स रिमूव द सरफेस फिनिश। तो इसका आंसर पहले मैं बता देना चाहूँगा, जो सेवन का आंसर होगा वो सेवन का आंसर ए होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि जो आपका, मैं पहले आपको यहाँ पर टूल दिखा के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ठीक है, ये आपका पॉजिटिव रेक है, ठीक है, पॉजिटिव रेक, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेक। इसमें देखिए कि टूल का फेस और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बोलता है टूल का फेस जिस डायरेक्शन में इंक्लाइन किया है टूल का, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए इसका पॉजिटिव, इसमें देखिए लिप एंगल जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, आपका पॉइंट जो होता है शार्प हो जाता है। ये आपका बोलता है जीरो रेक। इस पर क्या होता है, आपका जो रेक है देखिए वो क्या है, कोई भी रेक एंगल नहीं दिया गया, इसको जीरो रेक बोलते हैं। इसको देखिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेक। तो जो बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या बोला है, इट्स मेक द टूल शार्प एंड पॉइंटेड। तो कभी भी नेगेटिव रेक में आपका जो टूल होगा वो शार्प एंड पॉइंटेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या बोल रहा है, टफनेस ऑफ कटिंग टूल मीन्स एबिलिटी टू विथस्टैंड दैट विदाउट फेलियर। बोलता है कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ बिना असफल हुए डैश को सहना। तो आपको पता होगा टफनेस जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की वो क्या है, तो टफनेस जो प्रॉपर्टी है मेटल की बताता है कि इम्पैक्ट को सहना, इम्पैक्ट जो फोर्स दिया है तो उसको हम लोग हैमर या कुछ करते जो फोर्स है उसको सहने की जो प्रक्रिया को हम लोग टफनेस बोलते हैं। तो एट का आंसर मेरा क्या होगा, सी होगा। एट का आंसर मेरा क्या होगा, एट का सी होगा। नाइन देखिए क्या बोला है, इन अ ट्विस्ट ड्रिल एज शोन इन द फिगर बिलो पार्ट ए इज कॉल्ड। मीन्स आपको एक ट्विस्ट ड्रिल दिखाया गया है, उसमें जो पार्ट ए आपको जो दिखाया गया वो आपका क्या है, तुमको बताना चाहिए। पार्ट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंग। तो नाइन के नाइन का आंसर जो हमारा बी होगा, इस पार्ट को हम लोग सैंक बोलते हैं। ये पार्ट देखिए एरो से दिखलाया गया, इस पार्ट को हम लोग नेक बोलते हैं, ठीक है, नेक, ठीक है। और भी मैं बतलाता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये एरो से जो दिखाया गया इस पार्ट को हम लोग फ्लूट बोलते हैं, फ्लूट, FLUT, फ्लूट। देखिए यहाँ पे जो ये एरो करके ऐसे दिखाया गया इस पार्ट को हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। टूल का जो मैक्सिमम डायमीटर जो कितना है वो हमेशा मार्जिन पे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि मार्जिन के बाद वाला ठीक जो ये सरफेस होता है ये क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है, इसकी डायमीटर जो होती है मार्जिन से कम होती है ताकि जब ड्रिल काटे तो रबिंग ना हो, ठीक है। तो नाइन का आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, बी
टैंक, क्योंकि ये दिखाया गया है, ये आपका टैंक पोर्शन को दिखलाया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लिप होता है, तो फॉर्म लिप ये फ्लूट जो होते हैं, सॉरी फ्लूट फ्लूट जो होते हैं, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कटिंग जो पॉइंट है उसका फॉर्मेशन के लिए फ्लूट आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ द लेथ सपोर्ट द कटिंग टूल एंड मूव्स इट टू कट वर्क। बोलता है लेथ में कौन सा पार्ट पे कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्कपीस को काटने के लिए उसे घुमाता है, तो आपको उसमें घूमता है, तो आपको पता है जो कैरेज वाला पार्ट होता है हमारा, ठीक है, उस पार्ट में हमारा जो टूल जो है सपोर्ट पे रहता है और काटने के लिए हम उसमें आगे भी बढ़ता है, तो हमारा जो 10 का आंसर होगा, वो 10 का आंसर क्या होगा हमारा, 10 का हमारा बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, द सेंटर लेथ हेल्ड इन अ टेल स्टॉक इज कॉल्ड। बोलता है टेल स्टॉक में होने वाले सेंटर को कहते हैं, तो हमको आपको पता होगा कि जो हमारा हेड स्टॉक में जो सेंटर सेंटर होता है उसको लाइव सेंटर बोलते हैं, जो हमारा डेड स्टॉक में सेंटर होता है उसे हम लोग, टेल स्टॉक में जो सेंटर होता है उसे हम लोग डेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये सेंटर का जो एंगल्स होता है वो जनरली 60 डिग्री यूज किया जाता है, ठीक है, सेंटर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री पर जनरल पर्पज के लिए 60 डिग्री यूज किया जाता है, अगर आप कोई हेवी ड्यूटी वर्क कर रहे हैं तो इसको 75 डिग्री भी किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब भी आपका किस पार्ट पे मतलब किस सेंटर पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो हमारा डेड सेंटर पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो आपको रिवॉल्विंग सेंटर कब यूज होता है, जब जॉब को कभी हाई स्पीड में घुमाना हो तब हम रिवॉल्विंग सेंटर यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 11 का होगा कि टेल स्टॉक पे कौन सा सेंटर होता है, तो वो डेड सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है, इफ ड्रिलिंग इज टू बी डन ऑन अ लेथ ड्रिल इज हेल्ड इन। बोला यदि लेथ पे आपको ड्रिल करना है तो ड्रिल को कहाँ पकड़ेंगे, तो अगर आपको लेथ पे ड्रिल करना है तो हम लोग ड्रिल को कहाँ पकड़ेंगे, आपको पता होगा एक टेल स्टॉक होता है, ठीक है, तो हम जो लेथ पे ड्रिल करेंगे तो हमारा जो ड्रिल होगा वो हम टेल स्टॉक पे पकड़ेंगे, ये टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक पे पकड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाइल वर्किंग ऑन लेथ व्हाट इज मैंड्रिल यूज फॉर। लेथ पे कार्य करते समय मैंड्रिल का प्रयोग किस लिए होता है, तो हम आपको बताऊंगा कि मैंड्रिल का यूज जनरली जब भी जो भी जॉब हॉलो होते हैं, जो जो आपका इंटरनल लैम होता है, इस तरह का जॉब को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहले आपका जो चक होता है, चक में हम लोग मैंड्रिल को लगाकर मैंड्रिल को ट्रू करेंगे, ना कि जॉब को, मैंड्रिल को ट्रू कर लेंगे, उसके बाद ये जॉब को हम ऐसे करके मैंड्रिल पे फिक्स करके यहाँ पे एक नट लगा देंगे, उसका जो पोर्शन हम जैसा हमको मशीनिंग करना है वो मशीनिंग कर लेंगे। तो मैंड्रिल का यूज किस लिए किया जाता है, बोला जाता है इंटरनल टू होल्ड इंटरनली मशीन पार्ट, जो मशीन के इंटरनली जो मीन्स इंटरनल जो काटे होते हैं उसी पार्ट को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। 13 का बी होगा। 14 नंबर देखिए क्या बोलता है, आपको क्या बोल रहा है, विच एक्सेसरी विल बी सुटेबल इफ एन इररेगुलर पीस इज टू बी डन ऑन लेथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है हर एग्जाम में, अगर कभी भी इररेगुलर साइप के चीज को अगर टर्न करना है लेथ तो हमें फेस प्लेट का यूज किया जाता है, तो 14 का आंसर आपको होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ दिस ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मीन्स बोल रहा है नीचे दिए गए ऑपरेशन में किसमें हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन ए बोरिंग, आपको पता है बोरिंग में एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम लोग जनरली इंटरनल जो पहले से जिस पार्ट में इंटरनली ड्रिल किए हैं उसके डायमीटर को बढ़ाने के लिए हम लोग बोरिंग करते हैं, उस सरफेस को डायमीटर को बढ़ाना या सरफेस को फिनिश करना तो बोरिंग कहते हैं। टैपिंग, टैपिंग में हम लोग जो होता है, ठीक है, आपको टैपिंग में बता देता हूँ नीचे का, पहले ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में हम लोग सिंगल पॉइंट मतलब शेपिंग में भी हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं और डी प्लानिंग में भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं, पर टैपिंग ये ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं और उस टूल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं इंटरनल थ्रेड काटते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया है टैपिंग देखिएगा, थ्रेड के इंटरनल को मीन्स आपको जो टैपिंग करने के लिए जो थ्रेड आपको ड्रिल करना है उसके साइज किस तरह निकाले जाते हैं मेट्रिक में और बीएसडब्ल्यू में,
दोनों में मैट्रिक वालों को तो आपको पता होगा कि टी माइनस टू डी होता है, ठीक है, टी, ठीक है, टी होता है जो टैप साइज होता है, माइनस टू इंटू डेप्थ ऑफ द पिच होता है, ठीक है। अगर आपको बीएसडब्ल्यू में चाहिए तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है। द मेन पार्ट ऑफ कटिंग टूल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 आपका छूट गया है, देखिए क्या बोल रहा है। द रेट एट विच कटिंग एज ऑफ टूल पासिस ओवर द सरफेस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड, मीन्स बोलता है कि जिस दर पर टूल का आपका कटिंग एज वर्क की सतह पर घूमता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको उस दर को हम लोग कटिंग स्पीड कहते हैं, कटाई की गति कहते हैं, जिस स्पीड पे आपका कटिंग टूल वर्कपीस के ऊपर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है देखिए। द मेन पार्ट ऑफ कटिंग टूल विच इज ग्रिप इन टूल होल्डर इज कॉल्ड, कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर पर रखते हैं तो पार्ट वो हमारा क्या होता है, वो शैंक पोर्शन होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक कटिंग टूल बना कर दिखाता हूँ, 17 के आंसर पहले नोट कर लीजिए, वो शैंक होगा आपका कटिंग टूल। मैं आपको एक राइट एंड कटिंग टूल बतलाता हूँ, ठीक है। तो इस कटिंग टूल, इस पोर्शन को फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस। ये साइड के पोर्शन को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है। ये पोर्शन आपका हो गया सैंक पोर्शन, ठीक है। आप, मैंने आपको बताना चाहूंगा कि इस टूल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, तो इसमें टूल के कौन किस पार्ट को क्या कहते हैं वो डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। द साइज ऑफ 4 to 12 आर एप्लीकेबल टू, मीन्स बोल रहा है कि जो साइज आपका है 4 से 12 वो किस पेपर में एप्लीकेबल है। तो जो इस तरह का जो साइज है 4 से 2, आपको पता होगा मोस्ट पेपर 0 to 0 से 7 है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेपर पिन जो आपका होता है उस टेपर पिन की एंगल होता है 1 डिग्री 1.50 होता है, ठीक है। जर्नो टेपर 1 से लेके 20 में अप्लीकेबल है। ब्राउन हिसाब जो है वो 4 से लेके 12 में एप्लीकेबल है। तो 18 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोलता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेपर टर्निंग बाई फॉर्म टूल मेथड, अगर आपको बोलता है फॉर्म टूल मेथड से आपको टेपर टर्निंग काटना है तो कौन सा चीज आपका टूल का वो गलत होगा। ऑप्शन ए ब्रॉड नोज टूल इज यूज इन दिस मेथड। ऑप्शन बी बोल रहा है द टूल इज सेट ऑन द वर्क इज फुली फुल टेपर लेंथ। ऑप्शन सी क्या बोलता है कि द टूल इज फिड स्ट्रेट इन टू द वर्क। ऑप्शन डी बोलता है दिस मेथड इज यूज फॉर शॉर्ट टेपर ओनली। तो आपको पहले फॉर्म टूल मेथड पे बताता हूँ। अगर आपको किसी जॉब पे, अगर आपको टेपर, ये टेपर काटने के प्रोसेस है, ठीक है, इसमें आपको समझ लीजिए ये वाला आपका जॉब है, इस तरह का आपका एक जॉब बना हुआ है, इस पोर्शन में आपको टेपर करना है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है, एक होता है फॉर्म टूल मेथड। फॉर्म टूल मेथड में क्या करते हैं, आपका जो ऐसे टूल आपको, जब सर आपको एक स्क्वायर टूल प्रोवाइड किया जाता है, तो इस टूल में हम लोग जनरली क्या करते हैं, फॉर्म टूल मेथड में जो एंगल मीन्स आपका ये एंगल जो होता है, इसी एंगल को हम लोग इस पे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो बोला है कि इस ऑप्शन में हमेशा जो होगा ये टेपर का जो लेंथ होगा, टूल का लेंथ, जो टेपर की चौड़ाई होगी, टेपर की जो लंबाई होगी और ये टूल की जो चौड़ाई होगी, ये हमेशा कम होनी चाहिए। अगर पूरा टेपर जॉब टूल आपका इस तरह एक साथ फिट होगा, मैं ड्राइंग ठीक से बताता हूँ, देख लीजिए। अगर आपका टेपर, अगर टूल आपका ये ऐसा रहेगा, ठीक है, अगर पूरा टूल एक साथ आप इस टेपर पर काटते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, आपका टूल टूटने के चांसेस हैं। तो जो हमारा 19 का देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है, द टूल इज सेट ऑन द वर्क एट फुल टेपर एंगल। आपको फुल टेपर एंगल पे नहीं किया जाता है, ठीक है, हाफ टेपर एंगल पे किया जाता है, ठीक है, मीन्स आपको जितना काटना है उसका हाफ आपको सेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है देखिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेपर टर्निंग बाई टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड, टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है।
ऑप्शन ए क्या बोलता है, लॉन्ग जंप जॉब कैन बी टेपर्ड। आपको पता होगा जब टेपर टिल ऑफसेट मेथड का यूज कर रहे हैं तो इस मेथड में आपको क्या करता है, जॉब को आप लोग हेड स्टॉप और टेल स्टॉप के बीच में आप लोग होल्ड करते हैं, तो इस मेथड में आप लंबा जॉब काट सकते हैं, पेपर काट सकते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी बोलता है गुड सर्विस फिनिश कैन बी ऑप्टेन बाई ऑटोमेटिक फिट। हाँ हम टेपर ऑफसेट मेथड में जो होता है हम ऑटोमेटिक फिट दे सकते हैं, तो हमारा मशीन सरफेस भी अच्छा होगा, ये भी सही है। ऑप्शन सी एक्सटर्नल टेपर थ्रेड कैन बी कट, ठीक है। तो इस मेथड से जो होगा एक्सटर्नल टेपर थ्रेड भी, क्योंकि हम पावर फिट दे सकते हैं तो एक्सटर्नल टेपर थ्रेड भी हम काट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी स्टीप टेपर, स्टीप टेपर मीन्स बोलता है क्योंकि टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में जनरली हम लोग अप टू 15 डिग्री, कहीं कहीं 12 डिग्री दिया होगा किसी किसी बुक में, तो अप टू 12 डिग्री हम लोग टेपर, ठीक है। सॉरी सॉरी, अब ये गलत हो गया क्योंकि अप टू 12 या अप टू 15 आपका जो होगा वो अटैचमेंट में होगा, ठीक है। ये आपका अटैचमेंट में 15 और 12 होता है, किसी किसी बुक में 15 डिग्री हो, किसी में 12 डिग्री आप काट सकते हैं। मीन्स ये 15 और 12 क्या फुल टेपर एंगल है, ठीक है। जो हमारा स्टिप टेपर बोलता है कि खड़ा टेपर, स्टिप बोलता है जब टेपर एंगल बहुत ज्यादा हो तो उस टेपर को हम लोग स्टिप टेपर बोलते हैं। तो कभी भी टेल स्टॉप ऑफसेट मटेरियल में स्टिप टेपर का नहीं काट सकते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 20 का डी। 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, नलिंग ऑपरेशन हैज बिन डन ऑन ए वर्क पीस एज सोन। जैसे दिखाया गया है नलिंग ऑपरेशन दूर वर्क पीस पे किया गया है, तो इसमें से कौन से वर्क पीस पे आपका नलिंग ऑपरेशन ठीक से आया है और कौन से वर्क पीस पे गलत आया है। तो ऑप्शन ए देखिए पिक्चर नंबर ए पे आपका नलिंग ऑपरेशन देखिए, जो आपको डायमंड नलिंग की गई है, ठीक है, वो आपका ठीक आया है। जबकि आपके बी वाले पिक्चर पे जो है डायमंड नलिंग में, चूंकि आप कभी डायमीटर, अगर नलिंग हमेशा जिस सरफेस में नलिंग की जाती है उसकी डायमीटर हमेशा जो आपकी डायग्राम में दी उसी से थोड़ी कम ली जाती है, क्योंकि नर्लिंग करते वक्त आपकी जब आप उस सरफेस में नर्लिंग करेंगे तो मेटल क्या होता है, बढ़ता है कुछ एक निश्चित एक सर्टन एज बढ़ता है, इसीलिए 21 का आपका ए होगा। 22 नंबर देखिए क्या बोला है, फिगर बिलो सोन अरेंजमेंट ऑफ थ्री गियर ऑफ थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग के लिए नीचे 3 गियरों का व्यवस्था दिखाई गई है, ये है, ठीक है। तो आपको नीचे जो दिया गया है ये आपको 3 गियर दिया गया, तो आपको बोलते हैं कौन सा गियर ट्रेन है, ये आपका सिंपल गियर ट्रेन है, ठीक है, या आपका कॉम्प्लेक्स गियर ट्रेन है या कंपाउंड गियर ट्रेन है, ठीक है। आपको बोलता हूँ मैं 2 गियर ट्रेन, एक सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है, अरे कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन आपका क्या होता है, सिंपल गियर ट्रेन में आपका आपका देखिए इसमें जैसे एक ड्राइवर होगा, ड्राइवर, ठीक है, और ये आपका ड्रिवेन है। ड्राइवर आपको जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर चलाने के लिए होता है, वैसे गियर ड्राइव में एक ड्राइवर होता है जो गियर को ड्राइव करता है। जो बीच वाला गियर, इसको इंटरमीडिएट गियर बोलते हैं, इंटरमीडिएट गियर, इसका काम बस पावर को ट्रांसफर करना है बड़े गियर से छोटे गियर में। तो सिंपल गियर ट्रेन में आपका एक ड्राइवर होगा, एक ड्रिवन होगा, जबकि आपका कंपाउंड गियर ट्रेन में एक से ज्यादा ड्राइवर और ड्रिवन होगा, तो उसे हम लोग कंपाउंड गियर का ट्रेन कहते हैं। तो 22 का आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ दिस इज नॉट अमंग द स्टैंडर्ड प्रोसेस चार्ट सिंबल। निम्न में से कौन मानक प्रोसेस चार्ट सिंबल में नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑपरेशन या प्रचलन। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इंस्पेक्शन और निरीक्षण। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, स्टोरेज या भंडारण। ऑप्शन डी क्या पर है, ऑपरेटर या प्रचालक। तो आपका जो ऑपरेटर जो होता है, 23 का जो आपका आंसर होगा डी होगा, ऑपरेटर जो होगा वो आपका स्टैंडर्ड चार्ट का सिंबल्स में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है, द साइन गिवन बिलो इंडिकेट। आपको पता होगा जहां भी आपको ऐसा साइन दिखता है ये इलेक्ट्रिक का साइन है, तो रिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। 24 का आंसर क्या होगा, बस सी होगा। 25 देखिए क्या बोलता है, वाई इज द टॉप ऑफ द वर्क बेंच मेड ऑफ वुड। क्यों वर्क बेंच का ऊपरी शीर्ष लकड़ी का बना होता है, ठीक है। जो आपको पता होगा लकड़ी का जो बाप का बना होता है, लकड़ी क्या करते हैं हमारे जो सॉफ्ट को जो होते हैं अच्छी तरह एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारा हैमर भी उसका भी बना होता है। जब हम लोग चिपिंग या चिपिंग करते हैं तो हमारे जो बेंच भाई से वो भी एक लकड़ी के टूल पे रखा होता है, ठीक है। मार्किंग टेबल भी एक लकड़ी के स्टैंड पे होता है, ठीक है, कहीं कहीं लोहे का भी स्टैंड होता है, ठीक है।
और ये क्या करता है, आपका जो फिनिश कंपोनेंट होता है वो अगर आपके लकड़ी के टूल पे गिरता है तो उसकी सरफेस खराब नहीं हो सकती। तो 25 का जो आंसर होगा बोथ ए एन, बोथ आपका ए एन बी होगा। तो 25 का आंसर जो होगा वो होगा सी, बोथ ऑफ अबव। तो इसके साथ ही इस पार्ट लेथ के पार्ट का आज का पहला जो वीडियो था वो खत्म हो गया। इसके जब नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।